हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाउई टेबल्स इन अर्पिताज किचन। मैं हूं अर्पिता और आज आपके लिए लेकर आ गई हूं कच्चे आम से बनने वाली एकदम न्यू रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनेगी और ये खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर चावल लिए हैं, तो मेज़रिंग कप से 1 कप चावल लिए हैं मैंने। तो अभी इसमें पानी डालकर हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये चावल को अच्छे से 3 से 4 बार मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद अभी इसमें वापस से 1 कप पानी डाल देंगे और इसे 15 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुका है, चावल फूल कर तैयार हो चुका है। मैंने इसका पानी निकाल दिया है और अभी इधर मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी गैस पर और उसमें ऐड किया है 3 कप पानी। ये मेज़रिंग कप से मैंने 1 कप चावल लिए थे और यही मेज़रिंग कप से मैंने 3 कप पानी लिया है। तो ये पानी गर्म हो चुका है, अभी इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 चम्मच नमक और इसको बस एक बार चला देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, थोड़ा बॉईल आना शुरू हो जाए, तभी हम ये चावल डाल देंगे। उससे पहले चावल ऐड ना करें, पानी में अच्छे से बॉईल आने के बाद ही चावल ऐड करें। ये देखिए, बस एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक चावल इधर पक रहा है, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ एक कच्चा आम लिया है, ये वेट में 250 ग्राम है। अगर आप छोटी आम ही यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 आम ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम छील लेंगे। तो ये देखिए, आम को मैंने छील लिया है और उसके बाद इसके एजेस भी निकाल दिए हैं। अभी इसे हमें कद्दूकस करना है। तो ये देखिए, मोटी साइड से मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ, एकदम बारीक वाला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो मोटी साइड से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, पूरे आम को कद्दूकस कर लिया है। गुठली को अभी अलग हटा देते हैं और चलते हैं हम चावल की तरफ। तो ये देखिए, इधर चावल भी पककर रेडी हो चुका है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। तो ये देखिए, चलने की हेल्प से मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। चावल एकदम खिला खिला बना है। और इधर वापस गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी और उसमें ऐड किया है 2 चम्मच ऑयल और इसमें मैं डाल दूंगी ये पीनट्स यानी मूंगफली के दाने और इसको हमें सिम गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। मूंगफली फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, सारी मूंगफली को निकाल लिया है और बचे हुए ऑयल में ऐड कर देंगे ये 2 चम्मच चने की दाल। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच राई यानी सरसों के दाने और 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे जीरा। और बस अभी इनको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। गैस को सिम रखना है, तेज़ नहीं करना है। और अभी इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। ये 5 से 6 हरी मिर्च हैं जिनको मैंने बीच से काट लिया है लंबा लंबा और इसको भी 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ करी पत्ते, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अभी इसमें ऐड करेंगे एक सूखी लाल मिर्च। इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं और एक ये सूखी वाली लाल मिर्च डाली है। तो ये देखिए, इसको भी हमने फ्राई कर लिया है। ये सभी चीज़ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो कच्चा आम हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। ये देखिए, कच्चा आम जो कद्दूकस किया था, ये इसमें डाल देंगे। इसको सभी मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक सिम गैस पर ऐसे ही चलाते रहेंगे। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से ये कच्ची कैरी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस नमक डाल के मिक्स करने के बाद इसे कवर करके हम 4 से 5 मिनट तक सिम गैस पर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट बाद बस इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दिखने में ही लग रही है कि एकदम सॉफ्ट हो चुकी है आमी। तो बस अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ये देखिए, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का यूज़ किया है मैंने इसमें। तो बस इसे चलाते हुए हल्दी के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे। सारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये राइस। तो
तो ये देखिए राइस एकदम खिला खिला है, बहुत आराम से हल्के हाथ से राइस इसमें डालें। और अभी बस हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने कच्ची कैरी जब डाली थी तभी भी डाला था, और जब चावल हमने बॉईल किए थे उस टाइम पर भी थोड़ा सा यूज़ किया था। तो नमक थोड़ा ही डालें, बहुत ध्यान से नमक को डालें, और बस अभी इसे हल्के हाथ से चारों तरफ से मिक्स कर देंगे। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि चावल टूटे नहीं। चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली के दाने जो हमने फ्राई करके रखे थे, और गैस ऑफ कर देंगे। चावल एकदम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि मूंगफली दाना लास्ट में ही डालें जिससे कि ये सॉफ्ट ना हो। और अभी बस लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरी धनिए की पत्ती। तो ये देखिए थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स। अभी ये चावल सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं, तो ये गर्मा गर्म चावल जल्दी से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी कच्ची कैरी वाले चावल बनकर तैयार हो गए हैं। खट्टे खट्टे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और कितना आसान है इनको बनाना। लहसुन प्याज टमाटर किसी का भी यूज़ इसमें नहीं किया है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।